हाँ जी, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होपफुल कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट डे, कल दबा के नींद पूरी की, कुछ भी नहीं किया। मेरा लोड कल मुझे नहीं मिला, बेसिकली टायर वगैरह जो था उसको मैंने करवाया, लेकिन उसकी एयरलाइन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। टायर तो ठीक हो गया लेकिन एयरलाइन इनसे नहीं हो रही। तो अब एक और मेरा दोस्त ही है, वो भी टायरों का काम करता है सलीनस में, और अभी मैं जा भी कैलिफोर्निया सलीनस ही रहा हूँ लोड पिक करने के लिए। तो अभी सलीनस में जाते हैं, वहाँ से लोड पिक करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो बस अभी रेडी है, चाय मैंने बना ली है, बस चाय लेते हैं। प्री ट्रिप भी डाल ली है, डन हो गई है प्री ट्रिप। ट्रक रीजन हो रहा था वो भी हो गया, होपफुली ऑल इज गुड। टायर शायर चेक कर लिए, फर्स्ट क्लास सारा कुछ है, लेकिन माइनर सी एयर लीक है टायर में। एयर लीक टायर में नहीं है, बेसिकली ये टायर है, इनके साथ इन्फ्लेशन सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही वो बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फुल हो जाता है, लेकिन वो जो इन्फ्लेशन सिस्टम है ना, उसकी जो है वो एक लाइन जो है वो लीक कर रही है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली की आवाजें आ रही हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ इट इज गुड। लेकिन तो अभी देखते हैं जाके उधर सलीनस में जाके मैं मिलाऊंगा आपको विक्टर, और विक्टर के बारे में थोड़ी सी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा कि विक्टर से मैं कैसे मिला। और ही इज अ मैक्सिकन, और बट ही इज रियली अ जेंटलमैन पर्सन, ही इज रियली अ ग्रेट मैन। सो वहाँ पे जाते हैं, आप उसको मिलाते हैं विक्टर से भी, और फिर वहाँ से टायर भी ठीक कराएंगे, लोड भी उठाएंगे, और ये लोड हम लेके जा रहे हैं फ्लोरिडा कंपैनो बीच पे, और वहाँ पे जाकर आपको फ्लोरिडा के भी नज़ारे दिखाएंगे। तो होपफुली इट्स गोना बी मोर देन 3000 माइल्स, यू आर टॉकिंग अबाउट एट लीस्ट 4 to 5 days, सो इट्स गोना बी फन। तो मज़ा आएगा, तो चलते हैं जी। हाँ जी, प्री ट्रिप अपनी हो गई है डन, मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। चाय अपनी हो गई रेडी, जाते जाते शोर पियाँ मारते जाएंगे और उठते जाएँ, क्योंकि हमारा जो डेड हेड है सलीनस तक, डेड हेड कहते हैं जहाँ से हमने पिक करना लोग, तो डेड हेड भी ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन अच्छा खासा बन जाता है। तकरीबन हम पहुंचेंगे अपनी जगह पे जहाँ से हमें लोड पिक करना है, ऑलमोस्ट है लोड, अभी बता देते हैं आपको। बेसिकली 2021 है, कैनवर्थ, बड़ा खूबसूरत ट्रक बनाया जी, पहली दफ़ा देखा मैंने। मुझे जब लॉन्च हुआ था तब तस्वीरें देखी थी, लेकिन अभी पहली दफ़ा देखा मैंने इन पर्सन। क्या बात है यार, बहुत 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 सोना सर जी, बहुत सोना है। बेसिकली जी कल मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली थी, क्योंकि ये जो रेस्ट एरिया बेसिकली कैलिफोर्निया में पार्किंग आपको बहुत मुश्किल रहती है। यूजली टीए पे, लव पे, फ्लाइंग जे पे, पेट्रो पे पार्किंग फ्री होती है, लेकिन इस टीए पे क्योंकि ये बहुत बिजी एरिया है तो $25 पार्किंग है ओवरनाइट अगर आप पार्क करते हैं यहाँ। तो उसको आप $25 इनको पे कर दो भाईजन, चुप करके, नो क्वेश्चन आस्क, कि भाई ये मेरी पैसे लो जी, मैंने रात खड़ी की थी, आराम में जा रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं करना तो आप $25 की कोई भी अंदर से शॉपिंग कर लो, ये भी मैंने ये 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 शॉपिंग की है तो इतने पैसे। तो मैंने क्या किया था, मैंने अंदर से कुछ चीज़ें ले ली थी, जैसे मैंने एक लिया था ये इंतहाई अनहेल्दी चीज़, लेकिन सम टाइम जब आपको नींद आ रही होती है या आपने मुँह चलाना आता है तो दिस इज़ रियली गुड। और भाई आ जा, क्योंकि भाई ने पानी उठाया हुआ है और अपना देसी भाई है, देसियों के पानी उठाने से आपको पता लग जाता है कि ये हमारा कोई देसी भरा है, कुछ मोटे देते पानी चुप के जा रहे हैं पूरे कभी भी ऐसे नहीं उठाते, बहुत कम मैंने देखा है, उठाते भी होंगे लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। ये हमारे देसियों का ही सिस्टम होता है जी, मोटे तो रख भाई। तो बस अभी ये दिखाएंगे तीन पर्चियाँ, मैंने ये लिया था, आइसक्रीम का डब्बा लिया था एक मैंने, और पिज़्ज़ा लिया था, चिकन विंग्स लिए थे, तो ये सारा ऑल राउंड लागे मेरे ख्याल से ये $27 समथिंग बन गया था, $25 चाहिए थे, तो भी आई थिंक आई गॉट मोर देन एनफ। सो ये
ये जो टिकट है जो हमने कल निकाली थी ये टिकट साथ देनी है, साथ ही रसीदें देनी है, तो होपफुली इट विल गेट अच्छी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड डे। रवि ने कहा भाई ठीक है भाई तुम पैसे लाए ने जा सकना हूं। Turn left at the stop sign. ये वही वाला एंट्रेंस है जहां से कल हम एंटर हुए थे। देखिए मैंने बताया था ना कि जगह पे अलाउ है ये साइड पर ट्रक खड़े करना, कैलिफोर्निया में कुछ नहीं खड़े कर सकते, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट लॉज है। ये वो है भाई जिसमें मैंने खर्चा नहीं किया, ये वैसे ही खड़े रहा, लेकिन अगर ये किसी पुलिस वाले के चढ़ गए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको नजर आ रहा हो तो इस साइड पे छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं नो पार्किंग। अब मैं आपको दिखाऊंगा पार्किंग कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तो आपको कैमरे में नजर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखें ये जो व्हाइट वाला बोर्ड है आपके राइट पे, उसके बिल्कुल साथ बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग। ये देखें जी क्या खूबसूरत ब्यूटी है जी कैलिफोर्निया की। ये कैलिफोर्निया वो वाला नहीं है जो हम लोग देखते हैं हॉलीवुड, ये वो ये थोड़ा सा कंट्री साइड है। देखें बिल्कुल ब्लू पानी है, लोग वो देखें वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, और ये देखें सामने क्या बात है यार। देखें अभी एक डिलीवरी हमने कर ली है, अब हम जा रहे हैं दूसरी डिलीवरी की तरफ, और मेरे पास मेरे ख्याल से सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं मेरी लॉग बुक में, और मुझे लगता नहीं है कि आज मैं लोड उठा के यहाँ से निकल जाऊँगा। तो मेरी प्लानिंग यही है कि मैं लोड उठा के वहाँ पर वेट करूँगा, वहाँ से वेट करके फिर मैं सुबह निकलूँगा वहाँ से, ताकि मैं आराम से जाके अगली जो है वो डिलीवरी पर पहुँच सकूँ। बाकी ये मेरी स्पीड है जी 55 की स्पीड, और यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है जी ये स्पीड के मामले में कि स्पीड आपकी 55 होनी चाहिए। तो लेट्स सी ये कितने खूबसूरत ट्रैक बनाए हैं पहाड़ों के ऊपर इन्होंने, देख रहे हैं आप। ये सारा कंट्री साइड है बेसिकली। अभी मैंने यहाँ से खरबूजे उठाए हैं, अभी खरबूजे और डाक उनको टेम्परेचर 34 सेट किया। अभी मेरे ख्याल से जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आधा लोड जो है वो वाटरमेलन्स का है, जिसको हम पाकिस्तान में दवाने कहते हैं, दवानों का, और उसके साथ बाकी का पता नहीं क्या होगा, पार्शियल लोड है। देखिए अब जाके पता लगेगा। तो तब तक के लिए जी स्टे कनेक्टेड।